हेलो गाइस, दिस इज फजी ऑन एनिमी लवर चिट चैट। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, आज हम बात करेंगे नोसाका की स्पेशलिटीज के बारे में। नोसाका में क्या खासियत है, क्या उसमें एबिलिटीज हैं जो उसको अच्छा बनाती हैं, जो उसको एक्सेल बनाती है, जूट बनाती है, और इन दो क्वालिटीज बयान करती है। पहले हम बात करेंगे टैटिक्स के बारे में, जिसमें जूट भी बहुत अच्छा है और नोसाका भी। जूट की टैटिक्स के बगैर टीम का जीतना मुश्किल हो जाता था, वैसे ही नोसाका भी ऐसे ही है। अगर नोसाका के टैटिक्स के बगैर साका की टीम का जीतना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, जो उसे जूट जैसा बनाता है। अब हम बात करेंगे कि उसमें एक्सेल जैसी क्वालिटीज कैसे हैं। पहली बात तो वो टैटिक्स के साथ साथ एक मेन स्ट्राइकर भी है टीम का, जो गोल करता है, और दूसरी तरफ देखा जाए तो एक्सेल एक मेन स्ट्राइकर है जो गोल करता है टीम के अंदर। और दूसरी बात, उसके कॉलर्स ऊपर रहते हैं और नोसाका के भी कॉलर्स ऊपर रहते हैं। उसके बाद उसकी पर्सनैलिटी और उसके लुक बहुत सिमिलर हैं एक दूसरे से, जो उसे एक्सेल जैसा बनाता है। अब हम बात करेंगे कि उसमें इंदू जैसी क्वालिटीज़ कैसे हैं। इंदू जैसी क्वालिटीज उसमें ऐसे हैं कि उसने टीम को मैच जिताया, फिर उसने इचियोशी की आंखें खोली, जो सिर्फ इंदू कर सकता है। इंदू ने हर करेक्टर को, जो नया करेक्टर आया है टीम के अंदर, उसको अगर वो ईवल है तो उसकी आंखें खोली हैं। इस तरह ही ओरियन सीरीज में भी इस तरह ही हुआ है, नोसाका ने उसकी आंखें खोली हैं, ना इनोमोरी ने, ना हाजकी ने, ना इंदू ने, बल्कि उन्होंने नोसाका को इंदू से ही बढ़कर दिखाया है, एक्सेल से भी बढ़कर दिखाया है, और जूट से भी ज़्यादा उसकी वैल्यू दिखाई गई है इस सीरीज में। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। बाय फॉर नाउ।